भैया प्याज नहीं दिख रहा। प्याज कैसे दिखेगा, प्याज आ रहा है आता ही नहीं तो दिखेगा कैसे? हाँ प्याज आता नहीं, प्याज काफी महंगा भी हो गया। महंगा हो गया, 80 रुपये किलो है प्याज इस समय। 80 रुपये किलो यहाँ पे? तो यहाँ पे ठीक है, सस्ता है थोड़ा, बाकी मीडियम आता है। 80 रुपये किलो है यार, बहुत ही ठंडी है। जो टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस होगा। और मैं हूँ ताल पगहोड़ा मार्केट में, जनजातीय मार्केट है। और यहाँ से नेपाल, इधर मैं कैमरा अगर घुमाऊँ, वहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे नेपाल बॉर्डर है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ही ये मार्केट लगता है प्रत्येक बृहस्पतिवार को। और मैं यहाँ पे आज आपको दिखाने आया था मार्केट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये मार्केट आपको ज़रूर बहुत से मार्केट से अलग दिखेगा। और यहाँ पे नेपाल के लोग और इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, घरेलू उपयोग की सारी सामान्य, खान पान, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। कपड़े हो गए और दाल हो गए, चावल हो गए, सब सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस मार्केट को मैं आपको दिखाऊंगा। और बृहस्पतिवार को जैसा कि मैंने बताया लगता है, तो अभी मैं बाहर हूँ और अंदर चलता हूँ। ये बड़ा वाला कितने का? 80 का। और ये छोटा वाला नीचे वाला? 75। ये 75 का, ये 80 का। खैची कहते हैं। और गांव में आपने देखा होगा जब कोई कार्यक्रम होता है तो पूड़ी जो बनाते हैं इसी में रखते हैं, कई काम में उपयोग किया जाता है। तो आज यहां पर मैंने देखा, ये कितने का है? 100 रुपये का। अच्छा, ये किस लकड़ी का बनाते हैं? रोहनी का, जंगल से मिलता है। अच्छा, उस लकड़ी का बनाते हैं। घरेलू उपयोग के लिए सारे सामान मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। खाने के लिए बच्चों के लिए टॉफ़ी है, बिस्किट है, और खिलौने हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने इस तरह से। और यहाँ पे जो है वो चिकन जो है उसको फ्राई किया जा रहा है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ से मार्केट शुरू होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरह से कुछ चाट पकौड़ी जो लोग आते हैं खाते हैं यहाँ पर। मार्केट के बाहर ही हैं, ये लगा है इस तरह से। और फल की दुकानें हैं यहाँ पर, यहाँ पर फल भी मिल जाते हैं। और ये बेर है, बेर कैसे भैया? ये बेर बेर हाँ, 50 अनार 50 रुपये किलो। तो यहाँ पे बेर आप देखेंगे तो इस तरह से इतने बड़े बड़े, और ये बाहर से लाए होंगे क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में इस तरह से बेर नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत ही पुरानी मिठाई है जिसको खुटिया, शायद इसको खुटिया ही कहते हैं ना, खुटिया खुरमा टाइप का होता है और इस तरह से होता है। आप जरा देखिए इसको इस तरह से, और ये खुरमा है जी, तो ये खुटिया है। तो ये कुटिया है, इसका जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 1 इंच 2 इंच 3 इंच का होता है। काफ़ी अच्छी मिठाई होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब मार्केट से गायब हो चुका है, यहाँ पर उसको देखने को मिला इस तरह से। मिठाई बेटा रामदानी। और ये फुलमाला। अच्छा फुलमाला, ये कैसे हैं? कैसे हैं लड्डू? लड्डू लड्डू कैसे हैं? कैसे है? 20 रुपये पाव। 20 रुपये पाव लड्डू यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पैजामा 10 रुपये का लगा हुआ है। अच्छा, ये 10 रुपये में बच्चों के लिए, बच्चों के लिए पैजामा जो है ये 10 रुपये में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और 10-10 में मिल जाते हैं। तो ये कहाँ से आप लाते हैं? बाहर से लाते होंगे भैया? बाहर से आता है। अच्छा, कानपुर से लाते हैं। तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये अरहर वाली दाल कैसे भैया? 70 रुपये किलो। और ये वाली, ये छोटी वाली? अच्छा, ये उड़द वाली? अच्छा, काला तिल। और काला तिल भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में देखा। सौंफ कैसे है? सौंफ 8 रुपये 50 ग्राम। अच्छा, और चीनी? चीनी 40। तो घरेलू चीज़ों टमाटर है। और आलू कैसे है भैया? आलू 80 रुपये के 5 किलो आलू यहाँ पे इस मंडी में। अच्छा, आपका 90 रुपये में। ये पुराना आलू कैसे भैया?
ये वाला 70 रुपये नंबर, यहाँ पे 70 रुपये नंबर है। और यहाँ पे नए आलू हैं, ये नए आलू तैयार हो चुके तो इस तरह से इस मंडी में। और काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ पे लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से जो सब्जियाँ खरीद कर यहाँ पे लाते हैं, बेचते हैं, और लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। और प्याज कैसे भैया? 80 रुपये में, 80 रुपये में यहाँ पे प्याज देखने को मिल जाता है। और इस टाइप की काफ़ी अच्छी प्याज हैं, कोई वो भी नहीं है, इस तरह से बड़े बड़े भी हैं। और ये मटर कैसे? 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मटर है। और ये धनिया कैसे बड़ा? धनिया 10 रुपये का 250 ग्राम, 10 रुपये का 250 ग्राम। अदरक कैसे भी? 20 रुपये पाओ। मिर्चे कैसे हैं भैया? ये सूखे वाले कितना? 50 का पाव, 50 का पाव यहाँ पे मिर्चे। और ये मार्केट मसालों का है, यहाँ पे मसाले जो भी घरेलू उपयोग के लिए मसाले होते हैं वो यहाँ पे, जैसे मिर्चे हो गए, हल्दी हो गया, धनिया हो गया। और ये पिसी हल्दी कैसे है? 35 का पाव। और वो वाली? 30 का पाव। अच्छा, तो जो हल्दी है यहाँ पे 30 का पाव, और ये जो पिसी वाली है ये 35 का पाव है। और जो प्याज है, अक्सर प्याज आप कहीं भी जो सब्जी मार्केट में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्याज ही देखने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में इस समय प्याज महंगे होने के कारण आप देखेंगे कहीं भी प्याज नज़र नहीं आ रहा है, बस थोड़ा बहुत लोग रखते हैं। और जो उसका दाम है वो 80 रुपये किलो यहाँ पर है। यहाँ पर कपड़ों का मार्केट है, और यहाँ पर जो चप्पलें हैं, जूते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। और इस तरह से, और जैकेट भी हैं, जैकेट भी आ जाए हैं। और लोग ठंडी की वजह से इनकी ख़रीदारी बढ़ जाती है, लोग करते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुका है। और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिलेगी। और वहाँ से थोड़ा अगर आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे जैसे शॉल हो गए, और लेडीज सूट, और जो भी चीज़ें हैं, साड़ी हो गई, और भी कई टाइप के यहाँ पे कपड़े जो हैं उनकी ख़रीदारी यहाँ पे बिकते हैं। और महिलाएं जो हैं इस तरह के दुकान पे ज़्यादा हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं ठंडे का मौसम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप इधर आएँगे इस मार्केट में तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से मार्केट है। यहाँ पे जो है बर्तन की मार्केट है। और तो दोस्तों इस मार्केट को एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, ताल बघोड़ा मार्केट है, और ये नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल समीप में लगता है। और यहाँ पे नेपाल के लोग, यहाँ के लोग, मतलब काफ़ी लोग आते हैं, जनजातीय लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने। तो मैं आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पुराना मार्केट, इस तरह से मार्केट आपने देखा। और बहुत जितना भी हो सका मैंने इस बारे में, इस मार्केट के बारे में आपको जानकारियाँ दिया, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।